नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जो हैवी सूट होता है उसकी किस तरीके से कटिंग करें। आमतौर पे क्या होता है, जब भी हम 3000, 4000 या 5000 का कोई सूट कटिंग करते हैं तो हमें थोड़ी घबराहट होनी शुरू हो जाती है कि हमारे से ये कोई गलती ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो आज मैं ये भी आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से अपने डर को दूर करें और किस तरीके से हम महंगे पीसों की भी आसानी के साथ में कटिंग कर सकते हैं। जो हमारी बहनें हैं, घरेलू जो काम करते हैं, वो नॉर्मल 250-300-400 वाले सूट सिल लेती हैं, अच्छे से और परफेक्ट बना लेती हैं। लेकिन जो हैवी सूट होते हैं 2-3-4 हज़ार वाले, तो उनमें क्या होता है, उनको थोड़ा सा डर लगने लगता है। और ये चीज़ मेरे से जो शेयर करी है, जो हमारे व्यूवर हैं, जो हमारे जो वीडियो देखते हैं, उन्हीं से मेरी ये बात हुई है। तो इस टॉपिक पे भी मैंने सोचा है कि आपके लिए ये वीडियो बनाऊं, और ताकि आपका काफ़ी इसमें हेल्प मिले और आपका एक कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर तक चला जाए। तो आज की ये वीडियो मेरी हैवी सूट के ऊपर ही होगी। देखिए यहाँ पे ये हैवी सूट है और तकरीबन ये 2500 से 3000 रुपए का सूट है। अगर आपके पास इससे भी हैवी है, 5-6-7 हज़ार 10 हज़ार वाला भी, तब भी आप कंफर्टेबल होके बहुत ही सुकून से कटिंग कर सकते हो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नाप जानेंगे, कपड़े के बारे में जानेंगे, और फिर अस्तर वगैरह कटिंग करेंगे और फिर मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने यह नाप नोट किया हुआ है। जो हमारी लेंथ है यहाँ पे 44 तैयार होगी, छाती का नाप होगा 22 इंच 22 इंच, कमर होगी हमारी 19.5 इंच और हिप होगी हमारी 23.5 इंच। फ्रंट नेक है हमारा यहाँ पे 8 इंच, बैक नेक है 5 इंच, बाजू हमारी 18 है, आगे से 11 इंच है, और यहाँ पे ये नीचे सलवार की लेंथ लिखी हुई है। मैंने आपको यहाँ पे बतानी है कटिंग कमीज की। जो शोल्डर है हमारा 13, ये 14 इंच है। तो ये तो हो जाता है नाप। अब जानते हैं कपड़े के बारे में। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास फैब्रिक सिल्क वाला कपड़ा है ये, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे काम क्या है इसमें। ये देखिए यहाँ पे नीचे बॉर्डर दिया हुआ है, हैवी सूट है और बॉर्डर के साथ में इसका दुपट्टा है काफ़ी हैवी। तो इस तरीके के सूट जो होते हैं ये 2500 से 3500-4000 रुपए तक के सूट होते हैं, जिनमें हमें थोड़ी घबराहट हो जाती है। देखिए जब आप 250-300-400 वाला सूट कटिंग करते हो तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई घबराहट नहीं होती, महंगे सूटों में ही क्यों होती है। मैं आपको बताऊं सबसे मेन चीज क्या होती है कि हमारा माइंड सेट हो जाता है कि हमारे से कोई कहीं गड़बड़ ना हो जाए। देखिए ये चीज आप सबसे पहले दिमाग में से निकाल दें, आपके लिए 300 वाले सूट की भी वही फिटिंग जरूरी है और 3000 वाले सूट की भी वही फिटिंग जरूरी है। तो इसलिए आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि आप कोई महंगा पीस कटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। एक नॉर्मल सूट की तरीके से ही आपको कटिंग करना है, तभी आप उसको अच्छे से स्टिच कर पाओगे और तभी एक अच्छी फिटिंग दे पाओगे। देखिए कोई भी सूट कितना भी महंगा हो, ऐसा नहीं है कि आपकी कला से ऊपर है, उसकी कॉस्ट आपकी कला से ऊपर नहीं हो सकती, वो हमेशा आपसे नीचे ही रहने वाला है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो ये तो हो जाता है एक मन का डर निकालने वाली बात। फिर दूसरी बात, जब हम कटिंग करते हैं महंगे सूटों की, तो आपने देखा होगा हम अस्तर में से कटिंग करते हैं, तो आपने कहाँ फोकस करना है, अस्तर पे फोकस करना है फिटिंग का। इस चीज को आप छोड़ दो, जो हमारा मेन फैब्रिक है ये तो आपने बाद में कटिंग करना है ना, तो फिटिंग के लिए हम अस्तर पे कटिंग करते हैं। अगर हमारे से कोई गलती होती है, कोई गड़बड़ होती है, तो हम अस्तर को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर कोई पीस हमारे से गलत कट जाता है तो अस्तर कितने का आता है, 100 रुपए का या 90 रुपए का, तो अस्तर को हम चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए पहले आप अस्तर में से तसल्ली से कटिंग करें और फिर यहाँ पे मेन फैब्रिक में से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये हमने अस्तर बिछाया हुआ है, देखिए इस तरीके से, और फ्रंट बैक के लिए हमने अस्तर बिछाया हुआ है। नीचे वाला जो कपड़ा है ये बैक साइड के लिए होगा और ऊपर हमारा यहाँ पे फ्रंट के लिए होगा। अस्तर सेट करने के बाद हम ऊपर की साइड यहाँ पे एक सीधा निशान लगाते हैं और इसके बाद हम पहला निशान आर्मोल का लगाते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान देना है आर्मोल का पहला निशान। मैं हमेशा बताता हूं, अगर हमारा गला 4.5 इंच या 5 इंच बैक साइड से है तो आपने जो आर्मोल कटिंग करना है 7 इंच कटिंग करना है। चाहे आपका साइज 34 है, 35 है या 41 है या 42 है, तो यहाँ पे जो हमारा साइज है वो है 41 और हमने आर्मोल कटिंग किया है यहाँ पे 7 इंच, बैक गला है हमारा 5 इंच, तो 7 इंच ही आपने यहाँ पे कटिंग करना है। ये स्टैंडर्ड साइज होता है 7 इंच, और कमर का निशान 15 इंच पे और हिप का निशान 22 इंच पे। तो इन सभी निशानों को हम आगे तक यहाँ पे बढ़ा लेते हैं।
ये हमने बढ़ा लिए हैं। अब हम ऊपर से जैसे हमने यहाँ पे 22 इंच रखना है तो 11 इंच पे निशान लगा लेते हैं, और कमर हमारी 19.5 इंच है तो 10.5 इंच पे, और हिप हमारी 23.5 इंच है तो हम 12.5 इंच पे निशान लगाते हैं। सभी निशानों को एक दूसरे से इस तरीके से यहाँ पे जोड़ लेंगे। ठीक है, ये हमने निशान जोड़ लिए हैं। अब आपने यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आपका अपर ब्रेस्ट और मेन ब्रेस्ट में थोड़ा फर्क आता है तो आप उसी तरीके से कटिंग करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ पे 2.5 से 3 इंच नीचे तक एक निशान लगाएंगे और इस पे हल्की सी यहाँ पे गोलाई दे देंगे। ये देखिए हल्की सी यहाँ पे इस तरीके की अगर आप गोलाई देते हो तो आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और खास करके जो हैवी पीस होते हैं, सिल्क वाले पीस होते हैं, जिनमें बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होता, मतलब वे हल्के से भी बढ़ते नहीं है, जैसे ये वाला पीस मैंने दिखाया है, तो ये पीस जो होगा बिल्कुल हमारा हार्ड रहेगा, मतलब ये खींचेगा नहीं, ये कपड़ा खींचता नहीं है। तो सिल्क वाले पीसों में हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ये गोलाई जरूर दें। तो इस तरीके से हम निशान यहाँ पे कंप्लीट करेंगे फिटिंग के। इसके बाद हम ऊपर की साइड यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, अगर हमारा गला 4.5 से 5.5 इंच है तो जितने हमारी शोल्डर तैयार आ रहे हैं उतना ही हमें यहाँ पे निशान लगाना है। जैसे 14 है तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे 7 इंच पर, और अंदर की साइड यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को हम शोल्डर से ऐसे जोड़ेंगे और यहाँ पे डालेंगे गोलाई। तो ये देखिए हमने यहाँ पे गोलाई डाल दी है। गोलाई डालने के बाद अब हमें बैक साइड वाला निशान भी साथ ही कंप्लीट करना है। तो जो हमने यहाँ पे जितना ऊपर लगाया था निशान 7 इंच पे, इतना ही हमने यहाँ पे लगाया था, तो इसके बाद का जितना भी हमारा एरिया बचता है ये वाला, तो इसको आपने हाफ कर लेना है ऐसे, और यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये छोटे नेक का फार्मूला है, ये ध्यान रखना। अगर बैक साइड हमारा 5 इंच है तो आप इस तरीके से यहाँ पे हाफ पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा ऊपर तक ऐसे लेकर के जाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो बैक साइड आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी, ये चीज आपकी टाइट नहीं होगी। ज्यादातर क्या होता है, जब हमारे बैक साइड के गले छोटे होते हैं तो ये पॉइंट हमारा टाइट हो जाता है, तो आप इस तरीके से कटिंग करोगे तो बिल्कुल ठीक आएगा। ब्रॉड लेंथ रखेंगे यहाँ पे 3 इंच और हल्की सी कंधी डाउन करेंगे 1/2 से 1/2 इंच। इस तरीके से हमने यहाँ पे निशान ये कंप्लीट कर लिए हैं ऊपर के भी। अब हम यहाँ पे हिप वाले पॉइंट पे आते हैं, और हिप हमने 23.5 रखी है 12.5, तो हम यहाँ पे 24 इंच तक गहरा रख देंगे। थोड़ा स्ट्रेट ही आजकल पहनते हैं सभी, और इन निशानों को भी आपस में ऐसे जोड़ देंगे। आगे की साइड एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए निशान हमारे सभी कंप्लीट हो गए हैं, इन्हीं निशानों के ऊपर हम कटिंग करेंगे। नीचे का पल्ला छोड़ दिया है, ऊपर का पल्ला यहाँ पे कटिंग करेंगे, और अब हम यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने कटिंग कर लिया है। अब हम बैक पल्ला यहाँ पे कटिंग करेंगे बढ़ा के। तो जिन बहनों को भी, जिनको भी दिक्कत होती है कि हमारा जो फ्रंट है ऊपर की साइड चढ़ता रहता है, तो उसके लिए यहाँ पे ध्यान देना है आपने, बैक साइड जो छोटे नेक होते हैं बैक साइड वाले, तो हमें उनके लिए कम से भी कम 1/2 इंच बैक साइड को बड़ा कटिंग करना है। और जो नॉर्मल साइज होते हैं उनके लिए 1/2 इंच कटिंग करना है, और जो हैवी साइज होते हैं जैसे 42, 45, 46, तो कम से भी कम 1/2 इंच आप यहाँ पे बैक साइड को बढ़ा के कटिंग करेंगे, तब आपका परफेक्ट नाप आएगा। अब उस चीज का रीजन क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से नापते हैं बैक वाला आर्मोल, ये आ जाता है हमारा यहाँ पे 10 इंच, और फ्रंट वाला जो आता है ये आ जाता है हमारा 10.5 इंच। तो बैक साइड अब हमारा 10 इंच आता है जब हमने बढ़ा के कटिंग किया है, और फ्रंट का आ रहा है 10.5 इंच। और एक पैर जब हम आगे की साइड यहाँ पे बाजू चढ़ाते हैं तो हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ पे अच्छे से बन करके आता है। तो जब हमारा सेंटर पॉइंट बन जाएगा तो हमारी बाजू बिल्कुल फिटिंग में आएगी, और ना ही वो ऊपर की साइड फ्रंट चढ़ेगा, और ना ही कहीं पे भी खींच लगेगी, जैसे कि खींच मारती है बाजू, तो और ना ही यहाँ पे झोल आएगा।
तो इन चीजों का ध्यान रखें। आर्मोल का सेंटर पॉइंट बनाने के लिए बाजू जो हमारी सेंटर में चढ़ती है, तो उसके लिए हमें बैक साइड बड़ी कटिंग करनी होती है, और वही कारण होता है कि हम परफेक्ट फिटिंग दे देते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे इस तरीके से फ्रंट की गोलाई में कटिंग कर लेते हैं ऐसे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है, अब इस पॉइंट पे कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम मेन फैब्रिक बिछाएंगे और उसमें से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने नीचे की साइड तो मेन फैब्रिक बिछाया है, ऊपर हमने यहाँ पे फ्रंट बिछा लिया है। तो अब ये बताओ आपको किस तरीके का यहाँ पे डरने वाली बात है। जब हम मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे बाद में, अगर हमारे से कोई मिस्टेक होगी, कोई गलती होगी, तो हमारी अस्तर के ऊपर वो पकड़ी जाएगी। तो इसलिए बिंदास होके कटिंग करें, कोई टेंशन बिल्कुल भी ना लें। आपका सूट चाहे 2,000 का है, चाहे आपका सूट 10,000 का है, और इन केस कोई कमी अगर आ भी जाती है तो उसका हर चीज का सलूशन होता है। हमारे से भी कई बार कोई पीस गलत कट जाता है, तो उसका सलूशन निकल जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पीस ठीक नहीं हो पाता। तो यहाँ पे ये हमने इस तरीके से सेट कर लिया है। अब हम बराबर बराबर यहाँ पे अस्तर की इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट हमारा यहाँ पे कटिंग हो चुका है। बैक साइड के लिए भी हम ऐसे ही कपड़ा सेट करते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे जैसे फ्रंट कटिंग किया था, वैसे ही हमने बैक साइड को कटिंग कर लिया है। नीचे हमने मेन फैब्रिक बिछाया है और ऊपर हमारा यहाँ पे इस तरीके से अस्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम बैक साइड का यहाँ पे गला कटिंग कर लेते हैं। तो गला अगर हम 6 इंच ब्रॉड रखते हैं, तो यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से डीप लगाएंगे 5 इंच तक। उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी बैक साइड की नेक लाइन भी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम बाजू कटिंग करेंगे। फ्रंट बैक कटिंग करने के बाद अब हमने कटिंग करनी है बाजू। तो जो साइड से कपड़ा बचता है, उसको हम इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ये देखिए ऐसे। और आगे हमेशा आपको मैं बताऊं कि जोड़, एक साइड में जोड़ जरूर आता है। कभी भी ये ना सोचे कि जोड़ नहीं आएगा। जो हल्के साइज होते हैं उनमें तो चल जाता है, लेकिन जो हैवी साइज होते हैं उनमें जोड़ लगाना पड़ता है, ये ध्यान रखें। अब एक निशान हम ऊपर की साइड लगाएंगे यहाँ पे सीधा। इसके बाद हम दूसरा निशान लगाएंगे यहाँ पे 4.25 इंच पर, और इसके बाद जितनी हमारी लेंथ है उस हिसाब से रखते हुए यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये सभी निशान कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे साइज लेंगे। देखिए यहाँ पे जो साइज हमारा निकल करके आएगा, कैसे निकालते हैं, 41 है हमारा छाती का नाप यहाँ पे। तो इसका हम चौथा भाग करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10.25 इंच। ठीक है, 10.25 इंच में से हम 1 इंच कम करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9.25 इंच। 9.25 इंच हम इस तरीके से नापते हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखे ऐसे। अगर आप ऐसे भी नापोगे तो तब भी चल जाएगा, यहाँ पे ऐसे 9 इंच आएगा। मतलब 0.2 पॉइंट हमारा ऊपर नीचे आ सकता है, ज्यादा ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और इस तरीके से हम यहाँ पे निशान ये कंप्लीट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे गोलाई देंगे। यहाँ पे गहराई डालेंगे। तो जो जोड़ होता है वो बैक साइड में दे हमेशा, ये ध्यान रखें। और यहाँ पे हमारी जो कटिंग है ये देखिए कंप्लीट हो जाती है बाजू की भी। तो ये हमारा फ्रंट और ये बैक साइड और ये बाजू, तो तीनों चीज़ हमने यहाँ पे कंप्लीट कटिंग कर ली है। और हैवी सूट मैंने यहाँ पे आपको कटिंग करके बताया है, बहुत ही आसान तरीके से, बिना डरे हुए आपने इस तरीके से पीस कटिंग करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।